दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम महेश यादव है। दोस्तों क्या आप IBPS PU मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? SBI PU मेंस एग्जाम, SBI क्लर्क मेंस एग्जाम, RBI असिस्टेंट मेंस एग्जाम या जो अपकमिंग मेंस एग्जाम है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? करंट अफेयर को लेकर के आप चिंतित हैं, आपके करंट अफेयर जो है याद नहीं रहते हैं, कहाँ से पढ़े, कैसे प्रिपरेशन किया जाए, तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बस थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को करंट अफेयर पढ़ाता हूं और मेरे स्टूडेंट जो है पास्ट में जो है काफ़ी अच्छे स्कोर किए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है 70%, 80%, 90% तक जो है अपने एग्जाम में स्कोर किए हैं और आप भी कर सकते हैं। बस करंट अफेयर को आप ईजी वे भी जो है पढ़ाई कीजिए। मैं आप सभी को एडवाइस करूँगा कि आप बिगनर हैं, अभी अभी जो है करंट अफेयर का प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आप डेली बेसिस का जो न्यूज आता है उसको एक बार अच्छे से पढ़िए और उसका जो शॉर्ट फॉर्म है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप एक बार जो है लिख के रखिए, ताकि आप जो है वीकली मंथली जब रिविजन करेंगे तो आपको जो है हेल्प होगा। नहीं तो आप जो है डेली बेसिस पर अफेयर क्लाउड का PDF आता है उसको आप जो है क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप पढ़ा कीजिए और वीकली बेसिस पर उसका जो है रिवीजन कीजिए। और वो भी नहीं कर सकते तो मेरा डेली जो है 9 PM में अनअकैडमी पर जो क्लास चल रहा है सभी कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे जो है जो डिफरेंट सोर्सेस है उसको प्रॉपर जो है एनालिसिस करके, रिसर्च करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको डेली बेसिस पर लेता हूँ। मैं आप सभी के लिए वीकली भी जो है क्लासेस ले रहा हूँ, मंथली भी जो है क्लासेस ले रहा हूँ और आपका जो है संडे चैलेंज भी करता हूं, जो भी वीक का जो है क्वेश्चन होता है उसको मैं रिवीजन कराता हूं। तो आप जो है डेली बेसिस पर मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए या आप जो है डेली बेसिस पर इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो हेडलाइन आता है, द हिंदू का जो हेडलाइंस आता है, PIB का जो हेडलाइंस आता है, उसको आप पढ़ करके अपने करंट अफेयर को आप अच्छे कर सकते हैं। देखो करंट अफेयर में आपको जो है स्पीड पकड़ने के लिए 1-2 महीना लगेगा। आप 1-2 महीना डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर आप अच्छे से करंट अफेयर को पढ़ते हो, आप याद करने की कोशिश ना करो, आप सिर्फ पढ़ते हो, तो आपको जो है 2-3 महीने के बाद आप करंट अफेयर का एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और आप काफी अच्छे जो है रिकॉल करने लगेंगे, काफी अच्छे जो है स्कोर करेंगे। अब बात करें जो अपकमिंग एग्जाम है इसके लिए आपको कितने मंथ का जो है पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप से बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं। तो दोस्तों किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, सपोर्टेड IBPS PU अपना मेंस एग्जाम 5 नवंबर को है, आप उसके लिए प्रिपरेशन करो, या SBI क्लर्क हो गया, SBI PU हो गया, तो जो है 5 से 6 मंथ का जो आपके करंट अफेयर है उसको आप अच्छे से करिए। उसमें जो बैंकिंग का जो न्यूज है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, बैंक से रिलेटेड जो न्यूज है, RBI से रिलेटेड जो न्यूज है, स्कीम से रिलेटेड जो न्यूज है, गवर्नमेंट से स्कीम से रिलेटेड जो न्यूज है उसको आप अच्छे से पढ़ा कीजिए और उस पर जो है थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखिए। आप एग्जाम में जो है काफी अच्छे स्कोर करेंगे। तो आप जो है लास्ट 6 मंथ का आप करंट अफेयर पढ़िए, आप जो है फेयर क्लाउड के PDF से पढ़िए या आप जो है मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए डेली, उससे पढ़िए, आपको जो है काफी अच्छे स्कोर होंगे। आई होप आप सब लोग जो है आज से अभी से जो है ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बाकी आपके कोई डाउट है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट करके पूछिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप जो है अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल है उसको फॉलो कर लीजिए और डेली 9 PM में क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।